एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थॉम्सन कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये बेसिकली एक टाइप की एल्गोरिथम है जो ट्रांसफॉर्मिंग करती है रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू इक्विवेलेंट एनएफए में। इसकी डिफिनेशन बात करें तो इट इज एन एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू अ इक्विवेलेंट एनएफए में। ठीक, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करता है किसमें, रेगुलर एक्सप्रेशन से किसमें, इक्विवेलेंट एनएफए में। ठीक, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉलोइंग रूल्स आर डिफाइंड ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑन अ बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसके 5 रूल्स होते हैं जिससे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट एनएफए में। ठीक, 5 रूल कौन कौन से हैं। पहला रूल होता है एनएफए रिप्रेजेंटिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। ये इसका पहला रूल होता है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी तो क्या करेगा, तो एनएफए में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर जाना हो हमको, अगर क्या मिल गया, एम्प्टी स्टेट एप्सिलॉन मिल गया, तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, फाइनल स्टेट में भी पहुँच सकते हैं। अगर ये स्टेट Q1 है और ये स्टेट हमारी क्या है Q2 है, Q1 स्टेट पे अगर हम एप्सिलॉन मिल गया और वो एक्सेप्ट कर रहा है किसको, एप्सिलॉन, जो फाइनल स्टेट हम एक्सेप्ट कर रहा है एप्सिलॉन, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको फाइनल स्टेट पे पहुँच सकते हैं। ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल है जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ करैक्टर, इज जस्ट अ करैक्टर, जस्ट अ करैक्टर, मान लीजिए करैक्टर कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है या कोई भी करैक्टर हो सकता है, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास स्टेट Q0 है और ये Q1 स्टेट है, अगर हमारे पास कोई करैक्टर मिल गया, ठीक, जस्ट अ करैक्टर, तो भी ये क्या होगा, फाइनल स्टेट पे जाएगा एक करैक्टर का लेकर, फर्स्ट करैक्टर भी एक्सेप्ट हो जाएगी फाइनल स्टेट में। अगर इस करैक्टर जी का अगर बी होता तब भी ये बी एक्सेप्ट होती, अगर करैक्टर बी होता, ए या बी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3, अगर यूनियन ऑपरेटर होता, ठीक, तो क्या होता, अगर यूनियन ऑपरेटर है, यूनियन ऑपरेटर, ये रूल नंबर हमारा है 3, यूनियन ऑपरेटर ए और बी, अगर स्टेट हमारे पास है Q0 और फाइनल स्टेट है Q1, यूनियन ऑपरेटर ए और बी है, अगर Q1 इनिशियल स्टेट पे अगर हमको मिल गया ए, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी किसमें, फाइनल स्टेट में। ठीक, और अगर इनिशियल स्टेट पे हमको मिल गया ए ना मिलके बी मिल गया, तब भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, ये बी हो गया, मतलब यूनियन ऑपरेटर में ए और बी अगर कोई भी आ सकता है, वो भी हमारा एक्सेप्ट होगा। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4 की। अगर कॉनकैटिनेशन होता, कॉनकैटिनेशन सिंपली इन्वॉल्व कनेक्टिंग वन एनएफए टू अदर। अगर ए बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, रिप्रेजेंट एज कैसे करेंगे, अगर क्यू नॉट हमारी एक स्टेट है, ठीक, अगर हमको ए बी एक्सेप्ट कराना, तो कैसे कराएंगे, तो ए लेकर हम लोग दूसरी स्टेट पे जाएंगे, Q1 स्टेट पे जाएंगे, और बी लेकर हम लोग जाएंगे फाइनल स्टेट पे Q2, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, तो ये जो हमारी ए बी है ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ए लेकर हम लोग जाएंगे इस इनिशियल स्टेट से दूसरी स्टेट पे Q1 पे, और फिर Q1 से हम लोग बी लेकर जाएंगे किसमें, फाइनल स्टेट पे, तो ए बी हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर फाइव हमारे पास वो है कैलन क्लोजर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैलन क्लोजर मस्ट अलाउ फॉर टेकिंग 0 और मोर स्टैंड ऑफ द लेटर फ्रॉम द इनपुट, दस
ए एस्ट्रिक लुक लाइक दिस, कैसे बनाएंगे ए एस्ट्रिक को, ठीक। कहने का मतलब है कैरिंग क्वेश्चन में जो हमारा इनपुट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। मतलब अगर हम लोग क्यू नॉट स्टेट पे हैं, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, तो पहला इनपुट क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा, मतलब एप्सिलॉन मिलेगा। एप्सिलॉन लेकर हम लोग जाएंगे क्यू वन स्टेट पे, वहाँ हमको मिलेगा ए मिलेगा। ए लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे, तीसरी स्टेट पे, क्यू टू स्टेट पे जाएंगे, ठीक। और फिर हमको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। एप्सिलॉन लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्यू थ्री स्टेट पे जाएंगे, जो हमारी क्या होगी, फाइनल होगी। ये हमको एप्सिलॉन लेकर जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ए एस्ट्रिक हमारे पास है, ठीक, ए एस्ट्रिक में हमारे पास क्या आ सकता है, एप्सिलॉन आ सकता है, ए आ सकता है, तो अगर हम लोग एप्सिलॉन भी आएगा तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए ना। तो एप्सिलॉन क्यू नॉट स्टेट से हम लोग एप्सिलॉन लेकर भी हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, ठीक। और अगर बात कर लेते हैं इसमें, अगर हमको पास इनपुट मिला कौन सा, ई ए ई ए ई मिला, तो क्या करेंगे, तो इसको भी एक्सेप्ट कराना होगा ना। तो कैसे एक्सेप्ट कराएंगे वो देखिए, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, क्यू नॉट पे हम लोग ए ई लेकर गए हैं, और फिर क्यू वन स्टेट से ए लेकर गए हैं क्यू टू स्टेट पे, उसके बाद हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन चाहिए, एप्सिलॉन के बाद क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू टू से हम लोग फिर मूव करेंगे किसके थ्रू, क्यू वन स्टेट पे एप्सिलॉन लेकर, और अब हमको क्या मिल गया, ये स्टेज हमारी कंप्लीट हो गया, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। कैसे एक्सेप्ट हो गया, देखिए ई है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को हम लोग लेकर गए हैं क्यू वन स्टेट पे, उसके बाद हम लोग को मिला क्यू ए मिला, ए लेकर हम लोग गए क्यू टू स्टेट पे, उसके बाद हम लोग को फिर मिला एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लेकर गए हम लोग कहाँ, क्यू वन स्टेट पे, फिर मिला हमको क्यू ए मिला, और ए के बाद फिर क्या मिला हम लोग को, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लेकर हम लोग कहाँ गए, क्यू थ्री स्टेट पे। मतलब ये हमारा इनपुट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। इसको बोलते हैं कैरिंग क्लोजर। ये हमारे पास पांच रूल हैं जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू अ इक्विवेलेंट एनएफए में। पहला है हमारे पास, अगर हमारे पास एक कैरेक्टर हो तो उसको कैसे एक्सेप्ट कराएंगे। दूसरा हमारे पास जो रूल होता है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए है। तीसरा है यूनियन ऑपरेटर के लिए। चौथा है कॉन्कैटिनेशन के लिए। और पांचवा है कैलिन क्लोजर के लिए। ये हमारा था थॉम्सन कंस्ट्रक्शन के बारे में। थैंक यू एवरीवन।